नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं राजू राजभर, जो जागो राजभर जागो टीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजू जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया, आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपके दर्शकों को जो है बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करता हूं कि आपने मौका दिया हमें, और बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका। राजू भाई, हमारा सवाल यह है कि आप लोग 22 तारीख को मऊ आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, जैसा कि आप विगत वर्षों से देख रहे होंगे, जागो राजभर जागो की टीम जो है लगातार जो है पद यात्रा के माध्यम से, हाईकोर्ट के आदेश के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, मीटिंग बैठकों के माध्यम से जो है अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर रही है। अभी जो है ज्वलंत मुद्दा जो है समाज के सामने समक्ष आया है, अपनी नाराजगी को, असहमति को व्यक्त करने के लिए घोषित उपचुनाव का, जहाँ पे हम, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे सदस्य, बुद्धिजीवी, समाज सेवी और छात्र, नौजवान सभी जो है वहां पे अपने हक अधिकार की आवाज को कैंपेनिंग करने के लिए, एक जोरदार आवाज उठाने के लिए घोसी पहुंच रहे हैं। राजू भाई, एक खबर आई है कि स्वर्गीय स्वाभिमान पार्टी के जो प्रत्याशी थे अरविंद राजभर, उनका पर्चा खारिज हो गया है। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और तारा सिंह चौहान की देन है। तो आपको ऐसा लग रहा है? इस प्रश्न का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, और इसमें जो चुनाव आयोग एक लोकतंत्र का जो है संस्था है, अब उसमें क्या कमियां रही होंगी, कौन सी खामियां रही होंगी पेपर वर्क में, वह एक छानबीन का विषय होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जो है, अगर सभी जितनी भी चीजें हैं अगर वो फुलफिल करते थे, सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते थे, तो निश्चित जो है उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। और अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, दुर्भाग्यवश अगर किसी प्रत्याशी, सिख प्रत्याशी के साथ ऐसी घटना घटी है, तो उसका मुझे खेद है। राजू भाई, सवाल हमारा अगला यह है कि आप लोग की मांग है कि घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है वहां के राजभर समाज नोटा को बटन दबाए, तो क्या कहेंगे कि वो लोग मानेंगे आपकी बात को जाकर गांव में? क्या कहेंगे आप? प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। हम सभी प्रयास और अपनी कोशिश को जो है जारी रख रहे हैं। उपचुनाव जो है एक बहुत सही समय पर आया है। आपको मालूम होगा कि अगले वर्ष जो है आम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव होने जा रहा है भारत देश में। और ये भी हम सब समाज को बताना चाहेंगे कि इस देश में 48 घंटों में बिना आयोग, बिना सर्वेक्षण और बिना जो है कोई हाईकोर्ट के निर्देश के, मात्र जो है 48 घंटे में आरक्षणों को दे दिया गया। आपके लिए तो तमाम रिपोर्टें हैं, तमाम आयोग की रिपोर्टें हैं, हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है, हाईकोर्ट का भी निर्देश है और सर्वेक्षण भी हो चुका है। तो कोई झांसा समाज को नहीं चलना, झांसे में नहीं आना चाहिए। और पूर्ण बहुमत की सरकार जब केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो, उसके बाद भी झांसे के झांसे अगर दिया जाता हो, तो एक उपचुनाव आया है आपको, और नोटा जो है बटन वो एक संवैधानिक प्रतीक है, चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया प्रतीक है, जो लोकतंत्र में नाराजगी और असहमति व्यक्त करने का एक मजबूत स्तंभ, वो मजबूत जो है प्रतीक है। इसलिए हम चाहेंगे, अपने समाज से भी आग्रह हम कर रहे हैं, वहां पे हम जो कैंपेनिंग करने आ रहे हैं, हमारी टीम जो कैंपेनिंग करने जा रही है, उसका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हमारी समाज में जो है अपने हक अधिकार के प्रति जन जागरण हो, जागरूकता बढ़े, ताकि जो है जो अन्याय के खिलाफ हम लगातार, हमारी टीम और हमारे युवा साथी और हमारे संघर्षशील समाज सेवी संघर्ष कर रहे हैं, उसका जो है हल निकले और समाज की जो है हक अधिकार का अमलीजामा पहना कर उसका कायाकल्प हो। राजू भाई, जो खोपा केंद्र में मीटिंग हुई थी उसमें ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई है, तो आप सच बोल रहे हैं आप लोग या कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं? जनता को कैसे समझ में आएगा? जनता अब समझदार हो चुकी है, और हमने और हमारे संगठन ने जो है उनको पत्राचार भी किया हुआ था। जब वो आदरणीय अमित शाह जी से मिलकर आए और समाज में जाकर और अपने ट्वीट एंड हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि जो है हमारा गठबंधन एससी आरक्षण के तर्ज पे हुआ है, तो हम लोगों ने तुरंत जो है पत्राचार किया, एक रिट पिटिशनर होने के नाते और समाज को विश्वास लेने के नाते जो है हम लोगों ने पत्राचार किया कि आदरणीय जी, अगर ऐसी बात है, एससी आरक्षण पे ही आपका गठबंधन हुआ है, तो
या आप जो है आदरणीय मुख्यमंत्री से मिले हैं या मिल रहे हैं, तो उसका जो है प्रामाणिकता क्या है? उधर से कोई सरकार के पक्ष से, कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आती है, कोई एक ट्वीट नहीं आता है, कोई उसका जो है एक कहा जाए जो शीर्ष नेतृत्व है एक जवाबदेह नहीं देता, तो कैसे जो है मान लिया जाए? यह एक टोटल जो है गुमराह करने का एक उनका फंडा है और कुछ भी नहीं है। समाज ये जानना चाहता है कि जो गठबंधन हुआ, जिस तर्ज पे हुआ, जिस हकाधिकार के सवाल पे हुआ है, उस पे जो धुंध छाया हुआ अविश्वास का, वह धुंध जो है हटाया जाए और तब जो है समाज इस बात को विश्वास करेगा। अन्यथा जो है समाज अब एक ही नारा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ जो है बढ़ चुका है। राजू भाई, जब आप लोग मैदान में जाएंगे तो एक कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि हो सकता है समाजवादी प्रत्याशी को जिताने के लिए जागो रात भर जागो टीम काम कर रही है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, क्या कहेंगे समाज को? इस राजनीति में कोई अछूता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप तमाम लोग जो है स्वतंत्र है अपने अभिव्यक्ति को देने के लिए, लेकिन समाज समझदार है, युवा समझदार है और समाज के बुद्धिजीवी समझदार हैं कि हम हमारे ऊपर जो है किसी पार्टी और तंत्र का ठप्पा नहीं लगा है, हम किसी पार्टी पक्ष के जो है पैरोकार नहीं है, हम समाज के पैरोकार हैं। समाज को अच्छी तरीके से बताने का काम करेंगे कि हम सभी ने पदयात्रा किया था, लगातार 23 अगस्त 2021 से लगातार हम लोगों ने पैदल यात्रा करके 31 अगस्त को जाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम ज्ञापन हम सभी दिए। वहां पे भी अगर यह सुनवाई नहीं हुई समाज की, तो फिर हम लोगों ने जो है कोर्ट का, न्यायालय का सहारा लिया, जिसका परिणाम जो है 11 मार्च 2022 को है। और सरकार को कहा गया, निर्देश देकर सरकार को हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में जो है समाज का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा जाए। तो हम अपनी बात रखेंगे और तमाम जो राजनीतिक पक्ष वाले लोग हैं आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। समाज समझदार हो गया है, समझदार उसकी समीक्षा करेगा, समाज उसकी जो है तर्क वितर्क करके वो देखेगा कि वास्तव में ये समाज के बच्चे, समाज के युवा, समाज के छात्र जो हैं समाज हित के लिए बात करने आए हैं, समाज हित में समर्थन जुटाने आए हैं, या किसी नेता प्रेता या पक्ष विपक्ष की हार जीत की बात करने आए हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को, खास करके घोसी उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, घोसी के सभी जितने भी सम्मानित हमारे समाज के मतदाता हैं, युवा छात्र बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, उनसे तथा उस घोसी क्षेत्र के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन संगठनों से आग्रह है, सभी से हार्दिक जो है हम सभी बंधन अभिनंदन करते हैं कि आप जो है चेत जाइए। यह उपचुनाव जो आया है आपकी एकता का अग्नि परीक्षा लेकर आया है कि आप कितने जो है अपने हक अधिकार के प्रति सजग हैं, ईमानदारी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, उसकी परीक्षा लेने आए हैं। नेता जो है, अगर हम लोग नेता आज तक तो समाज ने जिताया ही है, आप हमारे समाज में जो है नेताओं को कोई ऐसा जो है संवैधानिक जो संस्था है वहां उसको वहां तक पहुंचाया, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद, लेकिन हमारी जो लड़ाई है सिस्टम में प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई है, अधिक से अधिक हमारा समाज का कैसे जो है सचिवालय, विश्वविद्यालय और निवालयों में हमारा जो है प्रतिनिधित्व बढ़े, उसकी लड़ाई है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा घोसी के सभी सम्मानित समाज के मतदाताओं से कि एक बार जो है अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ सभी खड़े हों, जो है समाज को जिताने की बात करिए। समाज जीते तो सबका भला है और नेता जीते तो केवल उसका भला है। ठीक है राज भाई, आप राज तक न्यूज चैनल पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।